मऊ जनपद के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी बाजार जहां बाजार में दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह प्रतिमा मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा स्थापित की जाती है, जो हिंदू और मुस्लिम एकता को प्रतीक दर्शाती है। यह लगभग 50 वर्षों से परंपरा चली आ रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर दुर्गा जी को प्रतिमा को स्थापित करते हैं, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहता है। वहीं मुस्लिम वर्ग के लोग कहते हैं कि भाईचारा को देखते हुए 50 वर्षों से इस दुर्गा पूजा को हम लोग करते आ रहे हैं। शादाब खान, कब से है आप इस पंडाल में और कब से, मतलब हमारे तो बाप दादाओं से चला आ रहा है, कोई आज नया नहीं है। ये लोग राम लीला करते तो उस सब जमे से हम लोग जो है देख रेख काम करते हैं। सामने हमारा मकान है और पिताजी भी करते थे, अभी भी हैं वो लोग, लेकिन अब फिलहाल हम लोग आ गए नए लोग। किस प्रकार का योगदान आपका है? हर तरह से योगदान है। क्या कोई संदेश? संदेश यही, भाईचारगी की बनाए रखे, सब लोग मिलजुल के त्योहार को त्योहार तरीके से मनाए। कभी कोई ये नहीं कहता है कि एक मुस्लिम होते आप दुर्गा जी की पूजा करें। नहीं नहीं, तो यहाँ के लोग मिसाल देते हैं कि खरा का कभी आप आइए देखिए किस तरीके से भाईचारगी अपनाई जाती है। यहाँ मुहर्रम में ये लोग रहते हैं जो दुर्गा पूजा या दशहरा या छठ या दीपावली में हम लोग जाते हैं। निहार आप इस दुर्गा पूजा में मतलब सहयोग कर रहे हैं, क्या योगदान है और कब से है इस कमेटी में? अरे यही 4-5 साल से है। क्या देख के आपको आस्था जगी जो आप जो है? हाँ, भाई चारगे की आस्था है हम लोगों के अंदर। अरे 50 वर्ष पुरानी संस्था है, कमेटी 50 वर्ष पुरानी है और कम से कम हमको लग रहा कि लगभग 30 साल से हम इस कमेटी को अध्यक्षता के रूप में चला रहे हैं।